दोस्तों इसरो ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुना दी है, जिसे जानकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे और खुशी से उछलने लगेंगे। दोस्तों इसरो ने ये खुशखबरी मीडिया में भी जाहिर कर दी है और पूरी मीडिया भी हर्षोल्लास से एक पर्व की तरह इस खुशखबरी को मना रही है। इसरो की ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने के बाद मोदी जी भी बहुत प्रसन्न हुए हैं और पूरे देश के सामने भी अभी मोदी जी इस खुशखबरी को लेकर आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है इसरो की खुशखबरी। अभी अभी लेटेस्ट न्यूज चल रही है, इसरो ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाई है। चंद्रयान 2 संपूर्ण रूप से चलने लगा है और विक्रम लैंडर ने संदेश भी भेज दिया है, लेकिन इस संदेश के साथ साथ बहुत ही बड़ी बड़ी जानकारियां भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने भारत सरकार को दी है। इसरो को ये जानकारियां मिलते ही चंद्रमा के संपूर्ण रहस्यों की जानकारी हो चुकी है। नासा और जैक्सा जो जापान की स्पेस एजेंसी है, उससे भी ज़्यादा जानकारी अभी इसरो के पास इकट्ठा हो चुकी है चंद्रमा के विषय में। चंद्रयान 2 के बाद अब चंद्रयान 3 की बारी लगाने वाला है इसरो और इसको भी सेम उसी जगह पर, चंद्रयान 2 वाली जगह पर ही इसरो भेजने वाला है चंद्रमा पर। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। जैसे ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कार्य करने लगे हैं, तभी ये न्यूज़ आग की तरह फैल गई है और संपूर्ण देश में ये न्यूज़ बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। और दोस्तों इसरो का चंद्रयान 2 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर संपूर्ण रूप से ठीक हैं, ये खुशखबरी हमें मिल चुकी है और इसका सबूत भी मिल चुका है। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अच्छी प्रकार से काम कर रहे हैं और ये संपूर्ण रूप से डाटा इसरो को भेज रहे हैं। इसरो और नासा मिलकर भी कार्य कर रहे हैं चंद्रयान 2 पर, लेकिन चंद्रमा पर क्या क्या खोजा है चंद्रयान 2 ने वो भी हम आपको बता दे हैं। बहुत प्रकार की गुफाएं भी चंद्रमा पर देखी गई हैं और कहीं कहीं पर चांद पर पानी के अंश भी देखने को मिले हैं। पानी के कुछ अंश कई जगहों पर मिले हैं, जिसे चंद्रयान 2 और विक्रम लैंडर ने खोजा है। और इस प्रकार से चंद्रमा पर जीवन की तलाश भी चंद्रयान 2 बहुत जल्द से जल्द कर देगा। इस प्रकार से चंद्रयान 2 अपने कार्य में बिल्कुल संपूर्ण रूप से लगा हुआ है और ढेर सारी जानकारियां इसरो को दे रहा है। इसरो के साथ साथ नासा भी इन जानकारियों को लेकर बहुत ही बड़ी हैरानी में और चक्कर में पड़ गया है कि किस प्रकार से चंद्रमा पर पानी और जीवन का बहुत ही बड़ा मिशन ये चंद्रयान 2 किस प्रकार से सफल कर रहा है। चंद्रयान 2 के इस मिशन को लेकर स्पेस एजेंसी नासा ने भी बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं चंद्रमा को लेकर, और चंद्रयान 2 को सफल खोज के लिए इसरो को बहुत ही बड़ा धन्यवाद भी नासा ने किया है। इसके साथ साथ ट्रंप भी बहुत खुश हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी जमकर तारीफ की है इसरो की और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी चंद्रयान 2 की सफलता की बधाई दी है। चंद्रयान 2 ने बहुत सारी गुफाएं भी खोजी हैं चंद्रमा पर और इसके साथ साथ कुछ आवाज़ें भी सुनाई दी हैं चंद्रमा पर। किस प्रकार की वो आवाज़ें हैं, भूकंप की आवाज़ें हैं, बिजली कड़कने की आवाज़ें हैं या फिर एलियंस की आवाज़ें हैं, इन पर कुछ गौर नहीं फरमाया गया है। अभी ये आवाज़ें केवल एक संकेत के माध्यम से इसरो को मिली हैं। इन आवाज़ों का संपूर्ण रूप से क्या तात्पर्य है और क्या इन आवाज़ों का कारण है, वो संपूर्ण रूप से अभी पता नहीं चल पाया है। चंद्रयान 2 को एक बहुत ही बड़ी खदानें भी मिली हैं चंद्रमा पर, जिनमें बहुत सारा यूरेनियम और अन्य प्रकार के पदार्थ मिले हैं। तो इस प्रकार से चंद्रयान 2 ने बहुत सारी खोजें की हैं जो भारत को सफल बनाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं। चंद्रयान 2 को लेकर पहले किसी को भी यकीन नहीं था कि यह मिशन सफल हो जाएगा, लेकिन अभी सभी को यकीन हो गया है चंद्रयान 2 संपूर्ण रूप से सफल मिशन साबित हुआ है। इस मिशन को लेकर संपूर्ण भारत सरकार, संपूर्ण भारत, संपूर्ण पब्लिक बिल्कुल खुश है और चंद्रयान 2 को बधाइयाँ दे रही हैं। और आप भी चंद्रयान 2 को बधाई देने के लिए इसरो के लिए एक जय हिंद का कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कीजिए, क्योंकि इसरो और चंद्रयान 2 ढेर सारी मेहनत कर रहा है भारत देश को एक महान देश बनाने के लिए। तो आप इसरो और चंद्रयान 2 के लिए प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद का कमेंट अवश्य ही कीजिए, और चंद्रयान 2 के विषय में आपकी क्या राय है वो भी नीचे कमेंट में अवश्य ही लिखिए। इसरो के लिए अवश्य ही कीजिएगा और अपने देश, अपने वतन के लिए, अपने देश को महान बनाए रखने के लिए एक जय हिंद अवश्य ही एक सेकंड का समय देकर नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें।
अपने देश के लिए इतना करना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे इसरो की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब रखिए और नोटिफिकेशन बेल को चालू रखिए, ताकि जब भी नई और लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ही चालू कर लें। धन्यवाद।